साहब को धन्यवाद, आपने वीडियो डाला उसकी वजह से मुझे पता चला। और मैंने आज इतनी वैरायटी के गुलाब देखे हैं जितने कभी सपने में भी नहीं सोचे। नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में गुलाब प्रदर्शनी का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों ने जो है यहाँ पर भाग लिया। और अलग अलग कैटेगरी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गुच्छे वाली वैरायटियाँ हैं, फ्लोरीबंडा वैरायटियाँ, इसके साथ में बहुत सारे नई अलग अलग वैरायटियों के यहाँ पर अलग अलग जो है सेक्शन बने हुए हैं, जिसमें पार्टिसिपेट किया है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि गुलाब की श्रृंखला किस तरह से यहाँ पर लगाई गई है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका गुलाब की इन खूबसूरत वादियों में। और आज यहाँ देखेंगे 400 से भी ज्यादा वैरायटियां और उसके अलग अलग कलेक्शन, वो भी अलग अलग प्रतियोगी द्वारा लाए गए हैं। यहाँ पर भोपाल और मध्य प्रदेश के कोने कोने से लोग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अपने खूबसूरत गुलाब को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं और इनाम भी पाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये डबल शेडेड गुलाब है और डबल शेड में बहुत सारी वैरायटियां आती है, उसमें कलर अलग है। ऐसे करके अलग अलग सेक्शन है जिसको कि गुलाब के रूप में लोग लगाते हैं। दोस्तों, गुलाब में बहुत मेहनत का काम होता है गुलाब को इतना बड़ा करना। और आप जो देख रहे हैं, ये डबल डिलाइट, डबल वैरायटियां, स्प्रिंग वैरायटियां, स्प्रे वैरायटियां, और उसके साथ साथ में फ्लोरीबंडा और चरिश्मा और बहुत सारी एसटी रोज की वैरायटियां देखने के लिए मिलेगी। ये चल रहा है गांधी हाल इंदौर में 3 से 4 फरवरी, और ऐसा हर साल ही आयोजित होता है। ये देख रहे हैं आप, जो है हरे कलर का गुलाब है। हरे कलर का गुलाब बहुत कम लोगों ने देखा रहता है, लोगों को मालूम ही नहीं होता है। और इस तरह से हरे कलर का गुलाब भी होता है जो आप देख रहे हैं। आप इस विजुअल में देख रहे हैं, ये फ्लोरीबंडा की वैरायटियां हैं और ये गुच्छे में आती है। दोस्तों, मेरे वीडियो में आपने पहले भी देखा है कि फ्लोरीबंडा में बहुत सारे फूल आते हैं और उसको हमने दिखाया भी है। फ्लोरीबंडा में ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं, ये समर स्नो की व्हाइट वाली वैरायटी है। और इसके साथ में जो है ये आप जो देख रहे हैं, ये कश्मीरी वैरायटियां हैं। और कश्मीरी वैरायटी में भी अलग अलग रेड पिंक और डार्क पिंक, लाइट पिंक, ऐसे अलग अलग शेड आते हैं। तो आप ये देख रहे हैं गुलाब की बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई है। और आपने इस बार मिस की है यदि, तो आपको अगली बार जरूर फरवरी में आना चाहिए, आपको अपडेटेड वीडियो मिल जाएगा। ये मैं भोपाल से समीर लक्कड़ पहली बार रोज शो में कट फ्लावर में कॉम्पिटिशन कर रहा हूँ। और यहाँ का कट फ्लावर देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी वैरायटी आई और काफ़ी लोग यहाँ पे गुलाब कर रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगा। चूँकि मैं सॉइल लेस मीडिया में रोज़ करता हूँ तो उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छा मिलता है। मैं भी यहाँ पे करीब अपने 35 कट फ्लावर शो में रखे थे, उसमें से मेरे को 25 से ज़्यादा प्राइजेस मिले हैं। उसमें काफ़ी फर्स्ट आए हैं, कुछ सेकंड आए हैं और कुछ को कॉन्सोलेशन प्राइज़ मिला है। आप देख सकते हैं, ये मेरा फर्स्ट नंबर का फर्स्ट प्राइज़ मिला है। इसको कैंडल ब्रा इसका वेराइटी है, एसटी रोज़ है रेड कलर में। एके पिल्ला है, फ्रेग्रेंट वेराइटी है, इसको भी फर्स्ट प्राइज़ मिला है। अच्छा, फ्रेग्रेंट में अलग अलग दिया है? हाँ, ये अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग फ्लावर्स रख रहे थे। आज इंदौर में गुलाब प्रदर्शनी लगी हुई है, बहुत खूबसूरत है, काफ़ी एंट्रीज आई हुई हैं गुलाब की, और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा आयोजन होता है, हर साल होता है ये आयोजन, और हम चाहते हैं कि लोग आए, देखें, प्रेरित हो इससे। पूरा खुशबू भरा माहौल यहाँ पे है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मालवा रोज सोसाइटी की तरफ से एक ये गुलाब सम्मेलन रहता है। इस बार 36वां वार्षिक गुलाब प्रदर्शनी है। इसमें इंदौर, भोपाल, इस बार तो भोपाल से भी इतने दूर से भी गुलाब की प्रविष्टि आई हुई है। इतना सुंदर माहौल हो जाता है कि जैसे, मतलब हमें लगता है कि हम कश्मीरी पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं हल्के हल्के से छींटे वाले गुलाब, जिसको स्प्रे वैरायटी की कहा जाता है या धारीदार गुलाब कहा जाता है। और उस वो भी जो गुलाब है बहुत ही मनमोहक रहता है अपने कलरफुल टेक्चर से। तो इस तरह के गुलाब भी आप कलेक्शन कीजिए। यदि गुलाब का वीडियो देखना है आपको कि कैसे केयर करना है, तो हमारे इसी चैनल पे गुलाब की देखभाल कैसे करें ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे। उनके खाद कैसे देते हैं, दवाई कैसे देते हैं, वो भी सब आपको इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे गुलाब के प्रेमियों तक इस तरह के वीडियो पहुंच सके और वो जो है अपने गुलाब की देखभाल कर सके। तो दोस्तों, ये जो है गुच्छे में वैरायटियां हैं जिसमें कलियां
कलियां भी गुच्छे में आती है। तो ये देखिए किस तरह से खूबसूरत गुलाब की कलियां देखने के लिए मिल रही है। प्रदर्शनी परिसर में ही इस तरह के नर्सरियों के स्टॉल देखने के लिए मिल जाएंगे। जो इंदौर की चार छह बड़ी नर्सरियां होती है वो इस तरह के स्टॉल लगाते हैं, जिसमें अलग अलग जो है पौधे लेकर आते हैं, गमले वाले आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं और जो थोक व्यापारी भी यहाँ पर आते हैं और नर्सरियां भी जो है अपनी स्टॉल लगाती है। हम यहाँ पर जगह दी हुई है, हमारी भी नर्सरी ने स्टॉल लगा, हर साल ही लगाते हैं। ग्रीन रुद्राक्ष नर्सरी आप जो देख रहे हैं, और हमारा लगभग थोक काम है इंदौर में पौधों का, और इस तरह से हम लोग अलग अलग इवेंट में आकर पौधों को प्रदर्शित करते हैं और हमारे पास जो कलेक्शन है उसको दिखाते भी हैं, और आपका प्रेम भी मिलता है। बहुत सारे लोग आते हैं और फोन लगाकर पूछते हैं कि साहब आपके इस बार स्टॉल लगेगा कि नहीं, और उसका उद्देश्य होता है कि इस तरह के स्टॉल लगाने के बाद में आप लोगों को हम नर्सरी तक खींच पाए, नर्सरी तक आकर्षित कर पाए। तो दोस्तों हमारी नर्सरी 16-17 एकड़ की बड़ी यूनिट है, जहां पर आकर आप बहुत सारे ये पौधे देख भी सकते हैं। तो इस तरह से गमलों के स्टॉल लगते हैं और थोक व्यापारी यहां पर आते हैं और अपने यहाँ पर गमलों की बिक्री भी करते हैं और यहाँ पर बुकिंग भी करते हैं। तो यदि आप आना चाहते हैं तो गांधी हाल आइए, और ये शाम तक नज़ारा इस तरह से हो जाता है, पूरी लाइटिंग से भर जाता है और शाम का भी नज़ारा खूबसूरत होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर गांधी हाल में बहुत सारे लोग आए हैं और यहाँ पर अपने अपने गुलाब को यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं। इंडिविजुअल भी है, कंपनी वाले भी आए हैं, कॉरपोरेट है, स्कूल है, बच्चे हैं, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर भाग लिया है। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की यूनिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बने रहिए द प्लांट गुरु पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे यूनिक वीडियो आप तक हमेशा पहुँचाते रहे। तब तक के लिए नमस्ते।